है सर, मैं 6 महीने से सिन पेन ठीक नहीं हो रहा, मेरे घुटने में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, और इस पर आप ध्यान रखेंगे। गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप जो मैंने कहा उस टिप्स पे आप चलते हैं, इंजुरी नहीं होगी, एक्सीलेंट ही आएंगे। सेटिस्फेक्शन से आने का तो खाना ही नहीं है, हमारे यहाँ एक्सीलेंट ही आते हैं। अब ज्यादातर लड़के आए हैं अभी, चलिए हम शुरू करें। हेलो, हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधाना, 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, 800 मीटर मिस्टर पंजी से क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021, 3000 मीटर स्टीपल चेस मिस्टर अविनाश सामले। हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार अधारा। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लाजवाब और जानदार शानदार 1600 मीटर भर्ती बालों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, चलते हैं हम आपके 1600 मीटर की तरफ, जो आपकी डिमांड थे। तो डिमांड आज बड़ी अच्छी है और सभी को कमेंट से हैं। तो को साहब, हम जब शुरू करते हैं 1600 मीटर, तो कैसे करें? हम शुरू करते हैं और इंजुरी हो जाते हैं, तो उसको बचने का क्या तरीका है? हमारे 3 वीक ट्रेनिंग हुई है और मेरे घुटने में दर्द हो गया। एक ने कहा मेरे 4 वीक ट्रेनिंग हुआ, सर मैंने 3 ट्रायल ले ली, एक भी ट्रायल में टाइम अच्छा नहीं आया। तो ये आज का आपका मुद्दा है कि हम 1600 मीटर जो शुरू करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, और शुरू करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम आज की बात पर। तो पॉइंट नंबर एक आता है कि हम 1600 मीटर शुरू कैसे करें। अच्छा पॉइंट है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप शुरू आज कर रहे हैं और आपकी पहले कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो गलती नंबर एक हम करते हैं कि शुरू में जिस दिन आते हैं उसी दिन हम टाइम ट्रायल लेते हैं, यानी कि 1600 मीटर का टाइम लेते हैं, जो गलत है, क्योंकि बॉडी में इतनी जान नहीं है और आप ऑल आउट भाग रहे हैं तो आपके दर्द भी होगा, टाइम अच्छा नहीं आएगा। दूसरी गलती हम फिर करते हैं, 4 दिन के बाद फिर एक ट्रायल ले लेते हैं, फिर टाइम नहीं आया, फिर हम परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक ट्रायल ले लेते हैं। तो 8 दिन में आप लगातार 3 ट्रायल ले रहे हैं 1600 मीटर का और टाइम नहीं आया। चौथे दिन, फोर्थ डेज, आपने फिर ट्रायल ली, आपकी इंजरी होगी, आपके घुटने में दर्द हो गया, आपके सिन पेन हो गया, आपकी मसल खिंच गई। अब आप पूरे 6 महीने तक बैठे रहे, फिर आप कमेंट करते हैं सर मैं 6 महीने से सिन पेन ठीक नहीं हो रहा, मेरे घुटने में दर्द है, ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करें? तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, और इस पर आप ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रहे कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तब आपकी समझ में आएगा। ये मुद्दा बहुत ही खास है और बहुत ही जानदार है, आपके परफॉर्मेंस में अहम रोल अदा करेगा, आप इंजरी नहीं होंगे। लेकिन सीरियस देखें, गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आप जो मैंने कहा उस टिप्स पे आप चलते हैं, इंजरी नहीं होगी, एक्सीलेंट ही आएंगे। सेटिस्फेक्शन आने का तो खाना ही नहीं है, हमारे यहाँ एक्सीलेंट ही आते हैं। अब ज्यादातर लड़के आए हैं अभी, चलिए हम शुरू कैसे करते हैं। अब हम करते हैं 1600 मीटर शुरू, यानी कि मैं स्टार्ट। तो स्टार्ट कैसे करें? पहले दिन आपने ट्रायल ली, वो ट्रायल नहीं लेना। अब मैं जो मैं कहता हूं आपको करिए। आप पहले वीक में, हम 4 वीक का शेड्यूल बनाएंगे, पहले 4 वीक, और 4 वीक में जो पहला दिन होगा वो बिल्कुल इजी ट्रेनिंग करेंगे, इजी इजी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, लेकिन बिल्कुल इजी ट्रेनिंग करेंगे। इजी ट्रेनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे और रनिंग छोड़ देंगे। शाम को सेम बिल्कुल इजी रनिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज आप करेंगे। 4 वीक में आप ट्रायल नहीं लेंगे। जब आपके 4 वीक की ट्रेनिंग हो जाती है आपके बेस पर, जो नॉर्मल बिगनर का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने दिया है उसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं या कोई करा रहा है, तो 4 वीक आप बिल्कुल जोर ना लगाएं। अपनी बॉडी का 70% या 80% के बीच अपनी बॉडी की कैपेसिटी लगने दें, ऑल आउट बिल्कुल ना करें, आपको बेस को बनने दें। अगर आपका बेस बन जाएगा तो आप शानदार रेस भागेंगे। तो 4 वीक आपका बेस बना है, मान लीजिए आपकी जो भर्ती है उसके 4 महीने पड़े। जब 4 महीने आपके पास हैं तो आपको क्या जल्दी है कि 4 वीक में ही आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? नहीं, 4 वीक की जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है फिर आप एक ट्रायल लीजिए, टाइम ट्रायल एक, तब आप ले सकते हैं, आपका बेस बन चुका है। जब 4 वीक में आपने ट्रायल ली, आपका टाइम कुछ भी आया जो आप चाहते हैं, चाहे वो 6 मिनट हो या 6:30 हो, तो ये आपका एक बेस बना 4 वीक का। अब आप इससे आगे चलेंगे, 4 वीक आपकी जो ट्रेनिंग हुई, आप इंजरी नहीं है,
है ना, अच्छी बात। इससे आगे चलते हैं अभी हम। अब आपके चार वीक खत्म हुए और आपने टाइम ट्रायल ली, और टाइम ट्रायल लेने के बाद आपको ये पता लगा कि हमारा जो टाइमिंग है 6 मिनट 20 सेकेंड या 6 मिनट 10 सेकेंड के लगभग आया है, और आपसे इंजरी से भी बचे। लेकिन इस टाइम को देख के डरे नहीं, क्योंकि आपके पास में 3 या 4 महीने होते ही हैं भर्ती के जब आप शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 4 महीने पहले आप शुरू करें, और आपका धीरे धीरे बेस बनता चला जाएगा, आपकी इंजरी भी नहीं होगी और आपका एक्सीलेंट टाइम भी आएगा। अब आपके जो नेक्स्ट 4 वीक हैं उसमें आप धीरे धीरे आप 4 चीज़ों को बढ़ाएं, जैसे आप इंडोरेंस बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड इंडोरेंस बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ डेवलप करने के कई तरीके हैं। स्ट्रेंथ इंडोरेंस जिसको हम कहते हैं, उसके आप सैंड के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑल बॉडी एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा भी आप कर सकते हैं, ऑन बॉडी वेट जो आपके कोर एक्सरसाइज हैं उनके द्वारा भी आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी कोर मजबूत हो जाती हैं, कोर मोन बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी बॉडी और परफॉर्मेंस के लिए। आपके अगर कोर मजबूत हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होगा, साइड में दर्द नहीं होगा, आपकी बक्की नहीं चढ़ेगी, इसलिए कोर की अति आवश्यकता होती है। इस तरह से आप बेस लेके चलेंगे तो मेरा ये मानना है और मेरा प्रैक्टिकल ये कहता है, गारंटी के साथ आपकी इंजरी भी नहीं होगी, आपका परफॉर्मेंस भी आएगा। और इससे आगे अब हम बेस से लेके चल रहे हैं, जैसे आपने कहा ना कि स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग हमने इसमें की है और एक से एक अच्छी वीडियो मेरे चैनल पे हैं। लेकिन अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो बेस आपका 4 वीक बना है, और 4 वीक के बाद आपका बेस बनता है और आपका टाइम जैसे मैंने कहा 6 मिनट 20 सेकेंड या 6 मिनट 10 सेकेंड आता है, तो उसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आप इंजरी भी ना हो और आपका परफॉर्मेंस बराबर आता रहे। तब तक जो मैंने कहा है, इस तरह से आप ट्रेनिंग करिए और आशा करता हूँ कि आप इंजरी नहीं होंगे। ये वादा है हमारा, आपको इंजरी नहीं होने देंगे। अगर आप मेरी बात मानते हैं 100% आपका रिजल्ट आएगा और इंजरी से बचेंगे। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊंगा कि जब आपके 4 वीक फिनिश हुए उसके बाद ट्रेनिंग कैसे करें, वो मैं लेकर आऊंगा टाइम के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए, और एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका कैप्टन अमरीश कुमार आदरणीय।